जय जगन्नाथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह आम विश्व प्रसिद्ध पवित्र रथयात्रा अवसर में समस्त विश्ववास को मो तरफ अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। यह हूँ पृथ्वी प्रसिद्ध रथयात्रा। आम ओडिशा पुरी जिले में यह अनुष्ठित हुए। यह पृथ्वीर प्राय अनेकठारे रथयात्रा हुए। किंतु आम जगन्नाथ पुरी रे जो रथयात्रा हुए यह हूँ पृथ्वी प्रसिद्ध रथयात्रा। यह वर्ल्ड कार फेस्टिवल कहते। यह देश विदेश बहुत पर्यटक भक्त माने आसी बहुत जोग दिखती बहुत आपण मैंने देखुवे किपर भाव में भिड़ लगी जनसमुद्र लगी जेहेतु यह रथ चक्कर भगवान जगन्नाथ ये विराजमान कर कार फेस्टिवल कह रथ यात्रा कह आम वर्षक थे प्रत वर्ष यह आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि रथयात्रा अनुष्ठित होता है। आउ दशमी तिथि जो जगन्नाथ जो जाता मौसी घर को सी श्री गुंडीचा माँ घर मौसी घर को सी जाती से दिन सी फेरी था कहुए बाहुड़ा जात्रा। यहपर भाव रथयात्रा आउ बाहुड़ा जात्रा अनुष्ठित होता है वर्षक थे। यह आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीय आउ दशमी यह अनुष्ठित होता है। से तांकर भौनी सुभद्रा एवं बड़ भाई बलराम को धरी श्रीमंदिर से बाहरी तीनोटी रथ रे विराजमान करी श्री जगन्नाथ श्री बड़ भाई बलभद्र एवं भौनी सुभद्रा सेथिरे विराजमान होती मौसी घर को से वर्षक थे बड़दाण्ड समस्तर उपस्थिति रे भक्तजन गहली रे जनसमुद्र मध्य सब भक्त मैंने दौड़ी रे लगी देखु दौड़ी से दौड़ी रे समस्ते टाणी टाणी नहीं थांती एवं माँ गुंडीचा घर को से रथ गुड़ाक लगी थाए। सेठारे दशमी तिथि पुणी ताकि प्रत्यावर्तन करती बाहुड़ा यात्रा कह जाए। रथयात्रा अवसर में समस्त ओडिशावासी एवं विश्ववासी को मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रभु श्री जगन्नाथ समस्त पृथ्वीवास को मंगल करतु तांकर शुभ दृष्टि रही था समस्त को आशीर्वाद करतु समस्त समस्ते सकुशल पर खुशी आनंद उल्लास जीवन जापन करतु विश्ववासी को शांति शांति बजाय रहु विश्व शांति प्रतिष्ठा हो एवं सबु धर्मावलम्बी मैंने समस्ते भाई भाई मध्य समस्त भातृभाव बंधुता उपस्थापना हो एवं समस्ते समस्ते आवाल वृद्ध बनिता हिंदू धर्म निर्विशेष समस्ते समस्ते जोग दे था श्री जगन्नाथ दर्शन लाभ करते समस्त भाग्य थे जाठा को समस्त श्री जगन्नाथ डोरी लगी जाठा को जी हुए लोके कहती रथ में विराजमान हो जदि जिते बेले आम प्रभु को देखी था समस्त भाग्य न था जीवन जाक समस्ते देखा चाह था जार सौभाग्य आए से ही देहा को दर्शन कर जीवन काल मध्य समस्त प्राप्त हो न था जो मैंने जो भक्त मैंने को भगवान डोरी लगी थाए से मैंने ही दर्शन लाभ कर भक्त देखु किपर भाव समस्त जनसमुद्र भलिया समस्ते एटारे लोकंर पृथ्वी सारा लोक एटारे सब देश विदेश अनेक पर्यटक विदेशी मैंने आसी बहुत भक्त मैंने जोग दे था समस्त नाम कीर्तन नृत्य कला मध्यम समस्ते भक्ति प्रदर्शन करस विदेश में मध्य बहु भाव रथयात्रा अनुषित जगन्नाथ प्रेमी मैंने आमर भारत संस्कृति परंपरा एवं सबू
संस्कृति को देश विदेश रे मध्य सारा विश्व रे प्रतिष्ठा करछंती जे उठारे हमर विदेशी भाई माने अछंती सेठा जे बते माने रथ यात्रा को एपरि पालन करछंती एवं हमर जगन्नाथ प्रेमी संस्कृति भारत संस्कृति को से माने बजाय रखुछंती एवं जगन्नाथ होउछंती बड़ ठाकुर तांकर सब किछि बड़ से बड़ ठाकुर से तांकर बड़ दांड बड़ तांकर भोग बड़ से ही सब बड़ ठाकुर जगन्नाथ से जगन्नाथंकर नाम को जे माने थरी नाम नैछंती से माने ही भव सागर रूप रहिछंती जगन्नाथंकर नाम उच्चारण कले जय जय भम आम मनुष्य जीवन सार्थक होता है थे जदि आम रथ उपर रथारूढ़ श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ भी माँ सुभद्रा को देखु था आम स्वचक्षु आमर गौरावित होता है आम धन्य मन कर समस्ते थे ही जीवन रथ दौड़ी को छुईवाक निश्चित चाहती जिते बेले शिशुटीए जन्म हुए आम गाँ गली एपरी जिते शिशुटीए जन्म हुए प्रथम अन्नप्रसाद कर भगवान को रथारूढ़ जो भगवान था छुआ छुआ जाए आशीर्वाद दि जाए प्रथम कर छुआटी जिते बेले भगवान को छुई थाएंग आशीर्वाद नहीं जा जीवन आग को तहार शुभारंभ होता है तहार जीवन सार्थक होता है तेब से भगवान आशीर्वाद पाई प्रति प्रत्येक शिशु अन्य राज्य कथा कही पारिनी किंतु आम ओडिशावासी आम ओडिशारे आम ही चलनी अच्छी समस्ते आम जिते बेले नुआ शिशुटीए जन्म हुए आम छुआ भगवान को छुई था आशीर्वाद आम नहीं था कई था एपरी भाव दौड़ी दौड़ी को थे मात्र छुई छुई आम टाणी था वर्षकरे थरे बड़दांड को आसुछंती प्रभु आम को समस्त को भक्त को दर्शन देवाई आम दर्शन करी आम जीवन रे दुख सुख आम जीत अभिलाष आशा पूरण होगा आम आशीर्वाद भिक्षा कर आम को थे आशीर्वाद दे आम यही भवसागर रू पार हो जा जगन्नाथ प्रेमी मैंने के प्रकार से मैंने नाच गीत नृत्य कीर्तन कई क्यों प्रकार वेशभूषण होकर से मैंने भक्ति प्रदर्शन करे से किए हनुमान वेश नर्तकी वेश विभिन्न प्रकार नाच नृत्य एवं कला प्रदर्शन करी जो बड़दाण्ड विश्व दरबार को यह आग वर्तमान काल घरे थी आम समस्त सौभाग्य लाभ कर दूरदर्शन मध्यम दूरदर्शन मध्यम आम घर थी आम सीधा प्रसारण आम देखिपर आग काल संभव होता जो मैंने सेठा को जाऊ देखिपे जापे रथयात्रा किपर हुए कण हुए किपर भगवान रथारूढ़ हमें जगन किपर भाव में भक्त मानकर समागम हुए किपर भाव रथ टणा हुए किंतु आज भक्त टीए घरे बस घर बस दूरदर्शन मध्यम सबकि घर बस देखिपार जापार एवं निज को कृतार्थ मन करदी के भगवान डर हुए निश्चित निश्चित समस्ते एटा को निश्चित भाव मन करे थे रथ छुआटी रथ दौड़ीटे धरीदे आम जीवन सार्थक होम आम जगन्नाथ प्रेमी मान समस्ते इतने बहुत थे मात्र आम दर्शन करदे आम नाम उच्चारण करदे आम निजर जीवन सार्थक होते भक्ति केीत के भजन केतन मध्यम भक्त टीए तहार निजर भक्ति प्रदर्शन कर भक्त टीए किपर भाव ईश्वर से कृपा पाइब किपर भाव ईश्वर को से प्राप्ति पाइब किपर भाव ईश्वर गान कर कृतार्थ मन करपरी भाव से निजर जहाँ कि कला अच्छी ताद्वर किसी गुण किसी तार गुण अच्छी ताक प्रदर्शन करुच्ची भक्त टीए भक्ति टीए निजर
भक्ति प्रदर्शन करुछि ए देखंतु घोडा एथिरे घोडा माने को जोडा जेथे घोडा माने कृत हागरे रे सब प्रति घोडा रे प्रति रथ रे घोडा माने थांती एहा को रथ रे लगाई थाए एवं एहा को सेतिरे दौड़ी लगाते जाय थाए एवं भक्त भक्त समस्त माने भक्त मानता को दौड़ी रे टाणी थांती एवं नै थांती जेते बेले एहार गुटे पुराणा पुराणक कहानी अछि जेते बेले उत्कलर राजा इंद्रद्रुम इंद्रद्रुम तांकर महाराणी थिले श्री गुंडीचा जेते बेले महाराणी स्वप्ना दश हला जे भगवानंकर प्रतिमा गढ़ा हेबो ठीक सेते बेले भगवान आसी गोटे विश्वकर्मा आसी थिले एवं तांकर प्रतिमा गढ़ी थिले जेते बेले देखिले श्री गुंडीचा जेते बेले जेटारे से कारीगर माने सेतावरे से माने करूथिले कहा को सेठा को जीवा को देउथिले से माने तांकर कबाट को पछपटु किली से माने ताकू प्रतिमा काठरे तयारी प्रतिमा तयारी करथुले जेते बेले पर्यंत सेथिरे गुटे शब्द होतुला ठक ठक रा आवाज होतुला जेते बेले पर्यंत से माने जानुथुले जे कारीगर माने कारीगर टी तहार प्रतिमा गढुची बोली किंतु जेते बेले तहार शब्द बाहर को आसी नथिला सेते बेले श्री गुंडीचा बहुत अविचलित होतिले एवं राजांकू कहितिले जे एथिरे किछि शब्द आसुनी कहीं कि किपरि से कारीगर टी कुआडे गला कहीं कि सेथिरु शब्द आसुनी बोली से माने सेथरे आसी जेते बेले कबाट को से माने कबाट को जेते बेले खोलिले देखिले महाराणी आ महाराजा देखिले समस्ते देखिले जे सेठारे भगवान तंकर गोड़ नाही हात नाही आखिरे ताकर पलक आखि पता नहीं कान नहीं एपरि भावरे मूर्ति टी तीनोटी मूर्ति स्थापन होइछि एहा देखि श्री गुंडीचा बहुत मुंड पिटी कांदी थिले एवं कहिथिले हे प्रभु मु काहे कि आबाध्य कलि तुमर कबाट को किलिबा को कबाट यदि किलिनि थांती ताहेले अधगोडा मूर्ति होइ न थांत एपरि भावरे बहुत विचलित मुंड पिटी कांदीथिले किंतु शेषरे पुणि ताहाकु स्वप्ना दोष होइथिला नाही मु एपरि भावरे एही कलिजुगरे एपरि भावरे मु दर्शक भक्त मानू दर्शन देवी कान नही पाद ना हाथ ना यहपर भाव में भक्त मान पाख को जीवि एवं भक्त आखिरी पलक ना कान ना हाथ ना गोड़ ना सेपरि भाव भगवान पूजा पाइले कलिजुगरे एवं भक्त मानू से दर्शन दे तापर श्री गुंडीचा ताकू जेते बेले तांकर स्वप्ना दोष रे से जेते बेले तांकर आशीर्वाद ताकू कहितिले कि तते आशीर्वाद मागुछु मा मा बोली बस सेते बेले श्री गुंडीचा मा कहितिले जे मते एपरि तु बर दियो जे मो वंशधर माने केही रहिबे नहीं मो वंश रे केही रहिबे नहीं जे माने कि पचरे कहिबे कि मो वंशधर माने मो वंशधर माने भगवान को गढ़ी मो वंशधर बोली से माने गर्व करिबे निज मन रे अहंकार भरिबे आत्मगर्वी हेबे तेणु मो वंश रे केही वंश न रहू एपरि केही मो वंश रे केही वंशधर न रहंतु एपरि भावरे मते बर दियो बोली करी मा गुंडीचा कहिथिले तापरे भगवान भगवान ताहाकू हाँ तथास्तु बोली कहिथिले एवं से सबुदिन पाई श्री गुंडीचांकर मासी ही रहीगले एवं एहा होची भक्त आ भगवानंकर किपरि किबंधंती देखंतु जे श्री जे जे सब श्री गुंडीचा मासी ही सबुदिन पाई रहीगले तेणु वर्ष करे थरे माँ तांकर श्री जगन्नाथ तांकर रत्न सिंहासन को छाड़ी प्रति वर्ष से तांकर मौसी माँ घर को श्री गुंडीचा माँ घर को वर्षक थे से जाती सेठारे रहती एवं सेठारे तांकर रहणी हुए तापर पुणी सेठारु से तांकर रत्न सिंह रत्न बेदी को फेरी जाई थांती एहिपरि भाव पुराण आख्या पुराण किंवदंती रही विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा
ଏଠାରେ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯିଏ ମୁସଲମାନଟିଏ ଭକ୍ତ ସାଲଭେଗ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନ ଭଜନ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କି ଆବେଗ ଭାବରେ ତାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଭଜନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ରଥ ତାଙ୍କର ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ରଥ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଏ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଏହା ହେଉଛି କି ପବିତ୍ର ମିଳନ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବହୁତ କାହାଣୀ ରହିଛି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକେ ରୋଷ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଭକ୍ତି କରିଛି କିଏ ଅଭିମାନ କରିଛି କିଏ ରୋଷ କରିଛି ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଏଠାରେ କିଏ ଭକ୍ତିରେ ନାଚ କରୁଛି ତ କିଏ ଏଠାରେ ନର୍ତ୍ତକ କରୁଛି କିଏ ଭଜନ କରୁଛି କିଏ କିଏ ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଜନ ଯିଏକି ଥିଲେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାନ ଏପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତଟିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମାପି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଲ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଏପରି ଭକ୍ତ ସାଲଭଗ ତାଙ୍କର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ସାଲଭଗ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ବର୍ଷକକୁ ଥରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠାରେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱଚକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ମା ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ରୋଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ କରି ଏଠାରେ ଯାଇକରି ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଏହା ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ମା ରୋଷ କରି ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ରୋଷ କରିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦେଇ ତାହାକୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ତାଙ୍କର ରସକୁ ଦୃଷ୍ଟ କରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପଖ୍ୟାନ ରହିଛି ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।